Good morning children, I am Bhavita Mishra, your maths teacher. Today I am going to teach class 1st, maths, lesson 3rd and exercise 9. Lesson 3rd में exercise 9 चल रहा है. तो children, lesson 2 तक आपका complete हो चुका है. और lesson 3 में देखिए, exercise 8 तक complete हो गई है. Exercise 9, I think, आज आपका chapter finish हो रहा है ये भी. लेसन 3, यस लेसन 3 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो लेसन 4 के साथ मिलेंगे. और लेसन 3 तक हो गया तो आपको भी क्या करना है, कॉपी पे एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करते चलिए, रिवाइज करिए. कोई रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें भी आप रिवीजन करते चलिए, जो क्वेश्चन किए हैं फिर से करिए. ठीक, देखिए क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम. ठीक, आज हम आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमित हैज 5 मार्बल्स. मीन्स सुमित के पास 5 मार्बल्स हैं. एंड अमित हैज 4, और अमित के पास 4 मार्बल्स. 4 मीन्स 4 मार्बल्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद देम? कितने टोटल का मार्बल उनके पास हुए? फिर से क्वेश्चन समझिए, सुमित है 5 मार्बल्स. सुमित के पास कितने मार्बल्स हैं? 5. और अमित है 4. अमित के पास कितने हैं? 4. फिर पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल. दोनों का मिला के टोटल नंबर कितना हुआ मार्बल का? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मार्बल्स और 4 मार्बल्स दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना. मान लीजिए आपके पास 4 बुक है, ठीक, और आपकी बहन के पास या आपकी फ्रेंड के पास 5 बुक, ठीक है. और अगर हम पूछे दोनों का मिला के कितनी बुक हुई, तो क्या होगा, 4 बुक आपके पास, 5 बुक आपकी फ्रेंड के पास, तो दोनों की बुक को काउंट कर लेंगे ना, तब पता चलेगा. तो इसी तरह से हमें 5 मार्बल्स इसे कैसे करेंगे, 5 करेंगे, फिर 4 मार्बल्स है 4 लिखेंगे. इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. ऐड करना आपको मैंने बताया है ना कैसे करते हैं. 4 लिखा है तो 4 के आगे क्या करेंगे, 4 सर्किल बना लीजिए. सॉरी 5 है ना, 5 1 2 3 4 5. अब 4 है, यहाँ कितने सर्किल बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 2 3 4. क्लियर. अब क्या करना है, 5 और 4 दोनों को ऐड करना है. मान लीजिए 5 मार्बल है, ये 4 मार्बल, 5 मार्बल सुमित के पास, 4 मार्बल्स अमित के पास, दोनों का मिला के कितना हुआ, इसको क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स जोड़ देंगे. काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ क्या आएगा, 9 आया ना, समझ में आ रहा है. सुमित और अमित दोनों का मिला के कितना हुआ, 9 मार्बल हुआ. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ, आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज कितना है, कितने मार्बल हुए टोटल दोनों का ऐड करके, कितना आया, 9. तो यहाँ आंसर में जो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे दिया है डैश, वहां पर आप क्या लिखेंगे, 9 करेंगे. ठीक है, अब समझ में आया. क्वेश्चन पहले आप पढ़िएगा, क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आप जरूर लिखेंगे. ये ना आंसर, ये यहाँ आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया. ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 9. क्लियर हुआ. सेकंड क्वेश्चन पे आए, एंजल हैज 2 बुक्स. हर मदर गिव्स हर 4 मोर, हाउ मैनी बुक्स डज शी हैव नाउ? देखिए एंजल हैज 2 बुक्स, एंजल के पास कितने बुक्स हैं, 2 बुक्स. हर मदर गिव्स हर 4 मोर, उसकी मदर ने उसको 4 बुक्स
सिक्स आ गया ना, टू और फोर को ऐड करेंगे तो सिक्स, ऐसे भी देखिए फोर है, फोर में टू ऐड करेंगे कितना होगा, फोर के बाद फाइव सिक्स, क्लियर सिक्स। तो ये हो गया, अब हम आंसर क्या लिखेंगे, एंजल है, एंजल के पास कितने बुक्स हैं, यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, आंसर समझिएगा, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप कॉपी पे करिएगा, साफ साफ एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसे दोनों को कॉपी पे करना है और साफ सुथरा, एक क्वेश्चन खत्म हो तो हमें पता चले कि हाँ एक क्वेश्चन फिनिश खत्म हो गया, अब दूसरा आप शुरू किए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन के बाद जैसे मैंने ये लाइन खींच दिया ना, है ना, इसे आप ऐसे स्केल से लाइन खींच के तब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चिल्ड्रेन, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो उसे आप टिक करके रखे रहिए। अब हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जब हम गेट टुगेदर होंगे तब हम आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करवा देंगे, ओके चिल्ड्रेन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।